अगर आपको लगता है कि आप दूध के धुले हैं, पक्षपात नहीं करते, दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं, तो ये सब बकवास है, सरासर झूठ है। अरे बक, व्हाट नॉनसेंस। हाय, मेरा नाम है कल्पना और आज की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से जिसे आपको सुलझाना है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक पिता और बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बेटे को देखते ही सर्जन के मुंह से निकलता है कि इसका ऑपरेशन मेरे हाथों से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरा बेटा है। तो अब आप बताइए कि सर्जन और उस लड़के के बीच में क्या रिश्ता है, सोचिए। सवाल ही समझ में नहीं आया मुझे। एक पिता और बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बेटे को देखते ही सर्जन के मुंह से निकलता है कि इसका ऑपरेशन मेरे हाथों से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरा बेटा है। तो अब आप बताइए कि सर्जन और उस लड़के के बीच में क्या रिश्ता है, सोचिए। बाप बेटे। ऑफ कोर्स दादा होंगे, एक के फादर हैं और एक के दादा हैं। चाचा हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पापा ही होंगे। तो वहाँ पे जो सर्जन है वो दादा भी है और वो पिता भी है। दादाजी और कुड बी अ फादर। सर्जन न दादा है, न चाचा है, न पापा है, सर्जन है उसकी माँ। ईमानदारी से बताइए, आपने भी ये जवाब नहीं सोचा होगा ना? ये तो सोचा ही नहीं था। माँ ख्याल भी नहीं है यार, सो सॉरी यार। कोई बात नहीं, खुद को जेंडर इक्वालिटी का झंडा बरदार बताने वाले लोग भी अक्सर इस पहेली में गच्चा खा जाते हैं। वैसे मेरी नहीं, बहुत ही पुरानी बनाई हुई पहेली है जिसे अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हम बहुत जल्दी दूसरों को सेक्सेस या पक्षपाती या बायस्ड होने का टैग दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने गिरबान में झांक कर देखें। मसलन हमें लगता है कि हमने सर्जन की माँ होने वाली बात इसलिए नहीं सोची क्योंकि यही तो रियलिटी है। कितनी महिलाएं सर्जन के रूप में दिखाई देती हैं, जो दिखता है वही तो बोलेंगे ना। लेकिन अब जब आपको इस पहेली का जवाब मिल गया है और आप ये पहेली दूसरों से पूछेंगे और अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो आप उसे तुरंत महिला विरोधी होने का टैग दे देंगे या फिर उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दरअसल यहाँ बात सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की नहीं है, अक्सर हम बहुत सारे मसलों में दूसरों को जल्दी से कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सोशल मीडिया के दौर में तो ये काम बहुत फटाफट हो रहा है। किसी एक पोस्ट को देखकर हम किसी के चरित्र का 360 डिग्री आकलन करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हार्वर्ड और MIT ने मिलकर एक रिसर्च की जिसमें ये सामने आया कि किस तरह हमारे सोशल जजमेंट्स में हमारी नैतिकता और हमारी रियलिटी के बीच में काफी टकराव होता है। इसे समझाने के लिए कोलाब्रा नाम के एक जर्नल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों को एक काल्पनिक सिचुएशन दी जिसमें माँ अपने बच्चे को कार में अकेला छोड़कर चली जाती है। अब प्रतिभागियों से पूछा गया कि ऐसे में बच्चे को कितना और किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग मिले। जब प्रतिभागियों को ये बताया गया कि माँ बच्चे के लिए खाना लेने के लिए गई है तो जवाब मिला कि खतरा ज्यादा नहीं है बच्चे को, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि माँ अपने पूर्व प्रेमी से मिलने गई है तो जवाब मिला कि खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि खतरा तो खतरा है, फिर माँ किस काम के लिए गई है उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा कि होता आया है, किसी के बारे में राय कायम करते वक्त हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स काफी इंटरफेयर करते हैं। एडम सैंडल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द प्लेस ऑफ प्रेजुडिस। इस किताब में एडम ने पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस यानी किसी के बारे में राय कायम करने की बात को अच्छा बताया है। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, लेकिन एडम के मुताबिक जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हम पहले से कुछ सोच चुके हैं या धारणा बना चुके हैं, तब जब उसकी परतें खुलती हैं ना तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शायद इसी वजह से अक्सर हमारे वो दोस्त अच्छे बन जाते हैं जिनको हम शुरू में पसंद नहीं करते थे या हमारी जिनसे पटती नहीं थी, बाद में वही हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हमारी धारणा को तोड़ा होता है और धारणा टूटने का अपना ही मजा होता है। बाकी अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि आप बायस हैं, आप पक्षपात करते हैं, तो उसे वही पहेली पूछेगा जो मैंने आपसे पूछी। बाकी व्हाट नॉनसेंस तो है ही दुनिया का पहला और एकमात्र पक्षपातहीन शो जहां किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। तो हमारा हर नया एपिसोड आप देख सकते हैं शुक्रवार रात 8 बजे जी न्यूज के इसी पन्ने पर। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। वैसे वो पहेली वाले चक्कर में ना मैं भी गच्चा खा गई थी, मतलब मैं तो अपने आप को काफी इक्वल टाइप की बात करने वाली समझती थी, पर पता नहीं कैसे हो गया। अरे व्हाट नॉनसेंस।